उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना का मुद्दा फिर से गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को ना पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, मैं जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं हूं, बल्कि समर्थन में ही हूं। ये होनी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। दरअसल अखिलेश यादव लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाति की जनगणना को लेकर कहा कि जाति की जनगणना होनी चाहिए। देश के कई राजनीतिक दल इसके पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद गांव-गांव जाकर इस बात के लिए लोगों में जागरूकता लाएंगे। कुछ समय में पार्टी का नेतृत्व गाँवों में जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगा, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी संभव हो पाएगा कि विकास योजनाओं से लोगों को कैसे जोड़े। जिसको लेकर सपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि सपा ये मुद्दा सदन में उठा सकती है। तो दोस्तों, जातिगत जनगणना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।